हेलो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक देख लो एक बार वाइस चेक कर लो बेटा देख लो एक बार वाइस चेक कर लो बेटा वॉइस तो एकदम बढ़िया रही है <coughs> तो चलो मेरे सारे धाकर बच्चों जल्दी से लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो और धाकर तरीके से शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक दैट इज एनिमल किंगडम तो इसमें एनसीआरटी की सारी चीजें हम कवर करेंगे और एनसीआरटी के बाहर जो भी बातें हो सकती जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको हम हाईलाइट करेंगे अगले एक से डेढ़ घंटे के बीच में ठीक है टी शर्ट अब नहीं चेंज करते हैं टी शर्ट अब यही चलेगी ठीक यही कलर है इस कलर को कॉपीराइट करा लिया ठीक <laughs> है हाँ, अच्छा चलो ठीक है तो पहला टॉपिक हमारे पास यहां पर क्या है बेटा पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ठीक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास एनिमल के करीब एक मिलियन से ज्यादा स्पीसीज है एक मिलियन से ज्यादा मतलब more than one million एनिमल की हमारी अर्थ पर है, ठीक है? One million एक मिलियन का मतलब दस लाख से ज्यादा जाती है टोटल स्पीसीज कितनी है वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन जिनमें से एक मिलियन स्पीसीज केवल और केवल एनिमल से बिलोंग करती है और इतनी ज्यादा स्पीसीज इस है इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ठीक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का पहला जो बेसिस है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टेबल है या नहीं है नहीं चलो तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है चार तरह का एक होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस या पोरी फेरा स्पॉन्जेज या पोईफेरा में सेलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है दूसरा टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यह में पाया जाता है organ है लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता प्लेटी हेलमेंथ में है ना प्लेटी हेलमेंथ में और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एस्क हेलमेंथ से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में यानी एस्क हेलमेंथ एनलेडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमी, कौर्डेटा और में में इन सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल में और्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है ठीक है <laughs> आ, नहीं ब्लैक कलर देखो ब्लैक कलर टी शर्ट सभी लोग लगभग यूज ही कर रहे हैं पूरे यूट्यूब पर सब ब्लैक कलर ही चल रहा है तो फिर ये सोचा गया कि थोड़ा सा अलग कलर ही यूज किया जाए क्योंकि हम लोग अलग काम भी करते हैं ना। तो इसीलिए फिर ये अभी एक दिन मैंने ये टी शर्ट पहनी थी जिस दिन मेरा बर्थडे था ना उस दिन ये टी शर्ट कई महीने से रखी हुई थी नई टी शर्ट थी तो मैंने पहनी और फिर इसी पे मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी है ना तो ये जो धाकर बैच वाले के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड की तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये अच्छा कलर आ रहा है और ये ब्लू वाला कलर भी एकदम ट्रेडमार्क है समझो है ना ये भी कलर हम लोग यूज कर रहे हैं तो अब इस पे अच्छा कंट्रास्ट आता है ये प्रारंभ वाली क्लास के बारे में बता दूंगा बेटा ठीक है प्रारंभ वाली क्लास के बारे में बता दूंगा <laughs> तुम लोग ना लाइक चलो नहीं भाई देखो मैं किसी पार्टी वार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं पहली चीज दूसरी बात राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक तीसरी बात यह है कि मैंने किसी भी पार्टी को कभी वोट नहीं दिया है वोट देने पे ये होता है कि मान लो पार्टी सही काम नहीं करती तो आपको लगता है कि यार मैंने इसको वोट दिया था काम भी नहीं सही कर रहा मैंने वोट ही नहीं डाला ठीक चलो मतलब एक दिन टाइम मिलता है तो उसमें सोचते हैं कि चलो आप सो ही लेते हैं देर आर थ्री टाइप ऑफ बॉडी प्लान आप बॉडी प्लान की बात करते हैं तो बॉडी प्लान होते हैं तीन तरह के एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान ठीक है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहां पर पाया था पूरी फेरा में पूरी फेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहां पर पाया था सिलेंट्रेटा में टीनोफोरा में और प्लेटी हेलमेंट में सुनिएगा क्योंकि हर चीज लिखी नहीं है इसमें ठीक है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है एस्क के से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर में ठीक एस्क से कॉर्डेटा तक के मेंबर में पाया जाता है अब यहां पर एक चीज और देखिए बेटा कि जब ब्लाइंड से बॉडी प्लान की हम बात करते हैं तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि बॉडी में एक ही ओपनिंग पाई जाती ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व एस बोथ माउथ एंड एनस मतलब अगर आप सिलेंट्रेटा हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जहां से खाता है वहीं से निकालता है मतलब आपको नेचर ने कितना अच्छा बनाया नहीं आपके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है आपके पास टू ओपनिंग है एक माउथ का, का काम करती है और एक एनस का, का काम करती है इसलिए हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट दो यहां पर ओपनिंग पाई जाती है कहां से एसखे से लेकर जितने भी मेंबर हैं अब ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है दो तरह का होता है एक को कहते हैं प्रोटोस्टोमिया और एक को कहते हैं कोरोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है कि पहली ओपनिंग जो हो, होती है वो माउथ होती है फर्स्ट ओपनिंग माउथ कहां पर एस्खेलमेंथ एनिलेडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया में जो पहली ओपनिंग होती है वो एनस होती है और ये इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर कॉर्डेटा में कंडीशन प्रेजेंट होती है क्लियर चलो अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज टाइप का आपको क्लोज टाइप ध्यान रखना है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दो जगह मिलेगा एक एनिलेडा में और दूसरा कॉर्डेटा में में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमी कॉर्डेटा इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब आ जाते हैं जर्म लेयर की बात कर लेते हैं जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो जर्म लेयर तीन तरह की होती हैं एक्टोडर्म एक्टोडर्मीजोडर्म एंडोडर्म और यही जर्म लेयर हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को बनाती है हर एक टिश्यू को बनाती है जैसे हमारे हार्ट की ओरिजिन क्या है हमारे ब्रेन की ओरिजिन एक्टोडर्मल हमारे लीवर की ओरिजिन एंडोडर्मल तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन हर एक टिश्यू जर्म लेयर से बना है अब जर्म लेयर के आधार पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक उन्हें कहते हैं जिनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक इंटरनल एंडोडर्म ठीक है और ये कंडीशन कहां पर पोरिफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कंडीशन पाई थी डिप्लोब्लास्टिक वाली फिगर भी आपको दिया गया अच्छा सिलेंट्रेटा में एक बात ध्यान रखेंगे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही दैट इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन लेकिन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है जिसे मिजोग्लिया का नाम दिया था ये देखिए लिखा है कि एन एनअनडिफ्रेंसिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन दिलेंट्रेट दूसरा ट्रिपलो की अगर हम बात करें तो ट्रिप्लो में तीन जर्मिनल लेयर पाई जाती है तीन जर्मिनल लेयर बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म और बीच में यह मीजोडर्म आपको दिखाई दे रही तो ट्रिप्लो प्लास्टिक कंडीशन कहां से कहां मिलेगी प्लेटी हेलमिन से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में ट्रिपलो कंडीशन प्रेजेंट होती है क्लियर इतनी बात

इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी तीन जगह पर आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री जनरली उन एनिमल में पाई जाती है जो सीडेंट्री के होते हैं मतलब जो एक जगह पर फिक्स रहते हैं फिक्स नेचर सिडेंट्री या बेन्थॉज जो तली पर पाए जाते हैं फिगर आपको दिखाएगा रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री तो रेडियल वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा तीन ऐसे फाइला हैं फाइलम इज द सिंगुलर वर्ड एंड फाइला इज द प्लोरल वर्ड तीन ऐसे फाइल है जहां पर रेडियो सिमिट्री आपको मिलेगी और बाइलेट्रल सिमिट्री की अगर हम बात करते बायोलेट्रल सिमिट्री देखो कैसे याद करना है इकाई बाकी जो सात फाइला बचे टोटल ग्यारह फाइल है एनिमल किंगडम में चार फाइल आपने याद कर ली जो सात बचे उनमें क्या हो जाएगा बाइलेट्रल सिमिट्री हो जाएगी जो ट्रिप्लो प्लास्टिक एनिमल होते हैं ट्रिपलो एनिमल में जनरली बायलेट्रल सिमेट्री ही प्रेजेंट होती है ट्रिप्लो एनिमल में जनरली बाइलेट्रल सिमेट्री ही पाई जाती है अब बात करते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में ठीक है देखिए जरा सीलोम या बॉडी कैविटी सीलोम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एनिमल के बारे में जिनमें सीलोम पाया जाता है ठीक तो जिनमें सिलोम पाया जाता उन्हें है उन्हें सिलोमेट कहा है सिलोम कहां मिलेगा एनिलेडा से लेकर एनिलेडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में सिलोम प्रेजेंट होता है सिलोम होता क्या है सिलोम एक ऐसी कैविटी होती है दैट इज लाइंड बाई मीजोडर्म लाइंड बाई मीजोडर्म ऑन बोथ साइड अगर मीजोडर्म दोनों तरफ से अगर सिलोम दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होता है तो उसे हम नाम देते हैं ट्रू सिलोम फिगर आपको दिखाई गए यहां पर ये यह देखो सिलोम की अगर हम बात करें तो ये कैविटी आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही अंदर ये मिजोडर्म है और ये बाहर मिजोडर्म है दोनों तरफ मिजोडर्म यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और इसी के बीच की जो कैविटी उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रू सिलोम ये ट्रू सिलोम आपको दिखाया गया सीडोसिलोम में क्या होता है सीडोसिलोम में जो मीजोडर्म होता है ये पाउचेस के फॉर्म में देखिए यहां पर ये जो कैविटी है मीजोडर्म बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म है यहां पर जो स्पेस आपको दिखाई दे इसको सीडोसिलोम कहते हैं और ये जो मीजोडर्म है ये स्केटर्ड पाउचेस के फॉर्म में स्केटर्ड पाउचेस के फॉर्म में और यहां पर आप देखें एक्टोडर्म मिजोडरम एंडोडर्म आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां पर कोई सिलोम नहीं है तो इसे ए सिलोमेट कंडीशन का नाम दिया था तो तीन कंडीशन हो गई सिलोमेट सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट कंडीशन ठीक है तीन कंडीशन यहां पर आपने देख ली अब बात करते हैं सिलोम ट्रू सिलोम की अगर बात करें तो ट्रू सिलोम दो तरह का होता है एक को कहते हैं साइजोसिलोम और दूसरे को कहते हैं एंट्रोसिलोम क्या अंतर है साइजोसिलोम में सिलोम स्प्लिटिंग से बनता है मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनने वाले सिलोम को साइजोसिलोम कहते हैं कहां पर मिलेगा एनिलेडा में आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में पाया जाएगा दूसरा ट्रूसिलोम जो होता है उसे कहते हैं एंट्रोसिलोम ठीक दूसरे वाले को कहते हैं एंट्रोसिलोम कैसे बनता है आउट ग्रोथ ऑफ एंट्रॉन एंट्रोन क्या होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसे एंट्रोन कहा जाता है और ये कहां पर मिलेगा इकाइनोडर्मेटा हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में एंट्रोसिलोम पाया जाएगा अब सीडोसिलोम की बात करते हैं तो सीडोसिलोम क्या होता है विद फॉल्स सिलोम यहां पर फॉल्स सिलोम पाया जाता है सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स सिलोम है ना तो यहां पर क्या लिखा है कि मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म यहां पर मीजोडर्म स्केटर्ड पाउचेस के फॉर्म में पाया जा जाएगा कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है एस्क हेलमेंट यानी एस्केरिस में कंडीशन प्रेजेंट होती है ठीक सीडोसिलोम और तीसरा है एसिलोमेट यानी विदाउट बॉडी कैविटी यहां पर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है पूरी फेरा से लेकर प्लेटी हेलमेंट तक के मेंबर में सिलोमेट कंडीशन एस खेलमिंथ में सीडोसिलोमेट कंडीशन और एनिलेडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जो मेंबर है, उनमें सिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट होती है अब बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में सेगमेंटेशन दो तरह का होता सेगमेंटेशन और एक होता है सीडोमेटामेरिज्म फॉल्स सेगमेंटेशन तो पहले ट्रू सेगमेंटेशन की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है ठीक है देखो मेटा में क्या होता है इसको हम ट्रू सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं ट्रू सेगमेंटेशन द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से बॉडी डिवाइड होनी चाहिए विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट ऑर्गन कुछ ऑर्गन रिपीट होने चाहिए साथ ही साथ कंडीशन कहां पर मिलेगी ट्रू सेगमेंटेशन वाली जो कंडीशन है आपको आपको में एनिलिडा में में यानी मिलेगी. एनिलिडा, और आज सुबह NTA, में भी ये मैंने आपको बताया था कि तीन फाइल ऐसे हैं जहां पर ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाएगा अब बात करते हैं स्यूडो मेटामेरिज इसको फॉल सेगमेंटेशन कहा जाता है और ये कंडीशन पाई जाती है टेप वर्म में अब टेप वर्म का साइंटिफिक नेम आपको बताना है जल्दी से ठीक है टेप की अगर बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम बताना अगला नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड में दो तीन बातें ध्यान रखनी कि नोटोकॉर्ड की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है मीजोडर्मली डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक रॉड लाइक होता है डॉसल साइड बनता है और कहां पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं और जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट का नाम दिया जाता है ठीक है और नॉन कॉर्डेट में कौन आ जाएगा पूरी फेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक के जितने मेंबर हैं वो सब क्या होंगे नॉन कॉर्डेट होंगे केवल आखिरी फाइलम जो इलेवन है उसे कॉर्डेट के नाम से जाना जाएगा यस टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा इन्हें नाम दिया जाता है टेप नॉट फैस्योला फैस्योला की अगर हम बात करें फैस्योला हिपेटिका दिस इज कॉल्ड फैस्योला हिपेटिका को क्या कहते हैं लीवर फ्लू कहा जाता है फैशोला लीवर फ्लू होता है दोनों अलग अलग है बेटा ठीक है पोस्थुमा नहीं बेटा वो तो अर्थवर्म होता है तुम लोग क्या बता रहे हो बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है उन्हें प्वाइकुलोथर्मिक एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल का नाम दिया जाता है जिनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है उन्हें होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं जैसे बर्ड और मैमल इस धरती पर केवल बर्ड और मैमल ही वार्म ब्लडेड हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो बर्ड और मैमल आप याद रखिएगा इनके अलावा कोई भी पूछा जाए तो पाइक्लोथर्मिक नेचर का हो जाएगा चलिए इसके बाद बात करते हैं सिफिलाइजेशन के बारे में सिफिलाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ हेड हेड के डेवलपमेंट को सिविलाइजेशन कहते हैं और ये प्लेटी हेलमेंट से शुरू होकर सभी हायर फाइला में यानी प्लेटी हेलमेंट से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में पाया जाता है अब बात कर लेते हैं कुछ यहां पर अलग अलग तरह के हैबिटाट के बारे में हैबिट के बारे में नॉकटर्नल नॉकटर्नल उन एनिमल को कहते हैं जो दिन के समय छिपे रहते हैं और रात के समय निकलते हैं जैसे कॉकरोच हो गया जैसे उल्लू की बात करें अब तो ह्यूमन भी धीरे धीरे नॉकटर्नल होता जा रहा है दिन में सोते हैं और रात भर जगते हैं ना तो नॉकटर्नल हो गया कंडीशन आप में से बहुत लोग नॉकटर्नल होंगे है ना उल्लू की तरह जगते रहते होंगे प्लैंकटन की बात करें तो प्लैंकटन क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में पैसिवली मतलब पानी के बहाव के साथ बहते हैं तो पी फॉर प्लैंकटन पी फॉर पैसिवली ऐसे याद रखोगे ठीक है दूसरा एक होता है नेक्टन नेक्टन क्या होता है एक्टिवली फॉर्म एक्टिव में एक्टिवली मतलब इनके पास पाए जाते हैं, जैसे फिशेस की बात कर लेते हैं आर्बोरियल अर्बोरियल उन्हें कहते हैं जो पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं जैसे आ, मंकी की बात करें बंदर के बारे में स्क्वायरल की बात करें जिनमें क्लाइंबिंग कैरेक्टर पाया जाता है आप भी आरबोरियल हो सकते हैं पेड़ पे चढ़ सकते हैं और एक होता है ओलैंड हैबिट ओलैंड कहा जाता है फ्लाइंग एनिमल जो उड़ सकते हैं जिनके पास पंख होते हैं जैसे बर्ड हो गया इंसेक्ट हो गया इन्हें ओलैंड हैबिट के नाम से जाना जाता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल आपका कंप्लीट हो गया अब आते हैं हम यहां पर इलेवन फाइला को डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस करने वाले ठीक है थीक? अलग अलग तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला फाइलम हमारे पास है पूरी फेरा ठीक है अब मैं यहां पर मेनली उन बातों के बारे में डिस्कस करूंगा जो एनसीआरटी में आपको दी गई ठीक है बेटा चलो देखो पूरी फेरा के मेंबर को कॉमनली क्या कहते हैं स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर पाए जाते हैं ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक सारे स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं जनरली मैरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे स्पॉन्जिला जिसको हम कहते ही हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और आप यह तो जानते हैं कि ज्यादातर स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होती हैं ठीक है स्पॉन्जेस दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल सारे अगर एक सेंटेंस में बोलो आप बताइएगा सही या गलत है आल मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलर ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलर सही या गलत एकदम ट्रू सेंटेंस है किंगडम एनिमलिया के जितने भी मेंबर हैं सभी कैसे होंगे दीज आर मल्टी और ये सबसे प्रिमिटिव मल्टी एनिमल है तो सबसे एडवांस एनिमल कौन से होंगे बताइए मोस्ट एडवांस एनिमल एनिमल किंगडम एनिमलिया का कोई भी मेंबर यूनिसेलर नहीं है ठीक है अब स्पंजज में चूंकि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इसीलिए इनमें कोई भी टिश्यू नहीं होता है है ना टिश्यू नहीं पाए जाते अकेले एनिमल है जिनमें टिश्यू नहीं है और टिश्यू नहीं तो डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी और का सवाल ही नहीं उठता है जब टिश्यू नहीं तो ऑर्गन कैसे बनेगा ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा ठीक फिर देखिए सेंसरी एंड नर्व सेल आर एबसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम एनिमेलिया में ये अकेले ऐसे एनिमल है जिनमें सेंसरी और नर्व सेल नहीं पाई जाती है ये टरी होते हैं, मतलब एक जगह पर फिक्स रहते हैं और मतलब ये लोकोमोशन नहीं करते हैं जैसे एनिमल में लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है ये लोकोमोशन नहीं करते यस yes. सबसे एडवांस एनिमल कॉर्डेटा अगर फाइलम के हिसाब से देखें तो कॉर्डेटा हो जाएगा क्लास के हिसाब से देखें तो मैमेलिया हो जाएगा चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन जैसे हमारे पास स्केलेटन है बोन का बना हुआ इनके पास स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन पाया जाता है और स्केलेटन को बनाने वाली जो सेल होती है उन्हें या, कहा जाता है। आधार पे इनको तीन क्लास में डिवाइड करते हैं पहला क्लास होता है कैल्सी स्पॉन्जी जिसमें कैलकेरियस यानी कैल्सियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल पाए जाते हैं दो एग्जाम्पल याद करें साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन साइकॉन का फिगर भी यहां पर आपको दिया गया है दूसरे क्लास की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइलो स्पॉन्जी यहां पर सिलीसियस स्पिक्यूल पाए जाते हैं सिलिका के बने हुए एग्जाम्पल की बात करें दैट इज यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है वीनस क्या है सुंदरता की देवी सुंदरता की देवी को वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है और यह एक प्रीसियस बहुत ही महंगा मैरिज गिफ्ट है जापान में इसी का एक मेंबर है हाइलोनिमा जिसे ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं तीसरे क्लास का नाम है डेमो स्पॉन्जी जहां पर स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है इसी का में यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं और इसके अलावा एक मेंबर और है स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं यू स्पॉन्जिया है का फिगर भी एनसीआरटी में आपको दिया गया है इसके अलावा और भी कई सारे मेंबर हैं यहां पर जैसे अगर हम क्लायोना की बात करें कॉल्ड बोरिंग स्पॉन्ज और ये पर्ल इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाता है अब यहां पर आ जाते हैं बॉडी वॉल के बारे में बॉडी वॉल में क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है देखो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर दो सेलुलर लेयर पाई जाती है और इन दोनों के बीच में एक मीजो हायल या मीजन काइम पाई जाती है जो आउटर लेयर होती है इसे कहते हैं पिनाकोडर्म और जो

तो इंट्रा सिलर टाइजेशन इंपॉर्टेंट है यहां पर अब बात करते हैं यहां पर कैनाल सिस्टम के बारे में तो स्पॉन्जेस के पास कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है ठीक है तीन तरह के कैनाल सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होते हैं एक होता है एस्कॉन टाइप यही एनसीआरटी में आपको दिया गया है यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है जो लेको में पाया जाता है और इसमें वाटर का फ्लो कैसे होता है वाटर ऑस्टिया के द्वारा स्पॉन्जो सील में आता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है यह फ्लो हो जाएगा यहां पर देखो क्या लिखा है वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इन टू तो द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल और पैरागेस्ट्रिक कैविटी फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम अभी जो वाटर कैनाल सिस्टम है दिस वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग मतलब न्यूट्रिशन में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन में remove of waste excretion में रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन तो फूड कैप्चर करने में रेस्पिरेशन करने में एक्सक्रीशन करने में मदद करता है स्पॉन्जोसिल नाम की जो कैविटी है ये सभी स्पॉन्जेस में पाई जाएगी सारे स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसिल सारे स्पॉन्जेस में एक तो आपने देखा कि जो कॉलर सेल कोइनोसाइट ये पाई जाती है सारे स्पॉन्जेस में आपको यहां पर स्पॉन्जो सेल भी मिल जाएगी दूसरा कैनाल सिस्टम होता साइकॉन टाइप जो साइकॉन में होता है और ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है अब देखो यहां पर एक सेल होती है आर्कियोसाइट

इनमें ए सेक्सुअल एप्रोक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा और रिजनरेशन जेम्यूल एक जेमा कप आप पढ़ चुके हैं कल जेमा कप कहां पाए थे जल्दी से कमेंट करके बताइए जेम्यूल फॉर्मेशन जिसे इंटरनल बडिंग कहा जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है जेम्यूल फॉर्मेशन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में होता है जैसे स्पॉन्जिला की अगर बात करें ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो आपको याद नहीं करना केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले याद करिएगा डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट दो लार्वा आप याद कर सकते हैं एम्फी ब्लास्ट लार्वा है साइकॉन का और पैरन का लार्वा है लेकोसोलेनिया का मार्केशिया में, में आपने जेमा कब पढ़ा था और यहां पर स्पॉन्जिला में आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में जेम्यूल के बारे में लार्वा से एडल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं मेटामार्फोसिस ठीक है लार्वा से एडल्ट के बनने को मेटामार्फोसिस कहते हैं अब आते हैं दूसरे फाइलम पे दैट इज सिलेंट्रेटा या निडेरिया कहा जाता है इसके भी सारे मेंबर एक्वेटिक होते हैं ज्यादातर मैरीन होते हैं है ना ज्यादातर मैरीन होते हैं सेसाइल हो सकते हैं जैसे कोरल और फ्री स्विमिंग जैसे कि ऑरिलिया तो जितने पॉइंट में बोल रहा हूं जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन सबको याद करना है आपको ठीक है क्लासिफिकेशन की बात करें इसके भी तीन क्लास है पहला क्लास है हाइड्रोजोवा जिसमें हाइड्रा जाता है ओबिलिया जाता है फाइसेलिया तीन जरूर याद रखिएगा ठीक है दूसरे क्लास का नाम हमारे पास है अच्छा यहां पर एक चीज और जान लेते हैं कि जो फाइसेलिया है इसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है पुर्तगाल का सैनिक कहा जाता है और ये पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट होता है हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है जबकि ओबिलिया और फाइसेलिया सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ओबिलिया के लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहा जाता है दूसरे क्लास का नाम है स्काइफोजोवा जिसमें ऑरिलिया जिसे हम कॉमनली जेलीफिश कहते हैं यह आपको याद करना है ठीक है और औरलिया में जो लार्वल स्टेज होती है उसे इफाइरा के नाम से जाना जाता है लार्वा को इफाइरा कहा जाता है तीसरे क्लास का नाम है एंथोजोवा एंथोजोवा की खास बात है कि ओनली पॉलीफॉर्म केवल पॉलीफॉर्म होती मेडुसा फॉर्म नहीं पाई जाती है एग्जाम्पल जिसे कहते हैं रेड कोरा लाल मूंगा ठीक है लाल मूंगा कहा जाता है इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं कोरल्स की अगर हम बात करें तो कोरल में स्केलेटन बना होता है कैल्सियम कार्बोनेट का जितने भी कोरल मूंगे होते हैं जैसे ये देखो ब्रेन कोरल मिंड्राइना फंजिया मशरूम कोरल हो जाएगा ट्यूबीपोरा ऑर्गन पाइप कोरल हो जाएगा ही ब्लू कोरल हो जाएगा एडमशिया सी एनिमोन है ना पिनेटुला सी पेन या सी फेदर कहते हैं इसको गोरगोनिया सी फैन तो जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है बॉडी वॉल में बहुत ज्यादा चीजें अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं ठीक है यहां पर सबसे खास बात है कि निडेरिया नाम आया कहां से तो निडेरिया नाम आया है इनमें पाई जाने वाली निडोब्लास्ट या निडोसाइट नाम की सर से और जो निडोब्लास्ट नाम की सेल होती है इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसे निमेटोसिस्ट के नाम से जाना जाता है ये जो निडोब्लास्ट होती हैं, ये पाई जाती हैं टेंटिकिल के ऊपर और बॉडी के ऊपर टेंटिकिल और बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं। और निडोब्लास्ट का काम क्या है निडोब्लास्ट एंकरेज यानी अटैचमेंट में मदद करता है ऑफेंस एंड डिफेंस आक्रमण और, और बचाव करने में कैप्चर ऑफ फूड एंड लोकोमोशन दैट इज द इंपॉर्टेंट इस चीज को आप हाईलाइट कर लेंगे ठीक है <coughs> हाँ, स्पॉन्जेस के स्पिक्यूल और कोरल का स्कर्टन दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं बने हो सकते हैं ठीक है थीके? नोट क्या बनाओगे इसको भी मैं पीडीएफ दे दूंगा रिवाइज कर लेना नोट क्यों बनाओगे अलग से नोट बनाने का टाइम नहीं ये निडोब्लास्ट सेल आपको दिखाई गई ठीक है चलो जैसे आपने स्पॉन्जेस में देखा कि स्पॉन्जोसिल कैविटी पाई जाती वैसे यहां पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन पाया जाता है ठीक है और इसमें भी सिंगल ओपनिंग पाई जाती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन की बात करें तो पहले एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन होता है और फिर इंट्रा सेलर स्पॉन्जेस में केवल इंट्रा सेलर था यहां पर एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का डाइजेशन होता है ठीक दोनों तरह का डाइजेशन यहां पर प्रेजेंट होता है अब अगर हम बात करें सिलेंट्रेट की तो यहां पर दो तरह के बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं एक को कहते हैं पॉलिप और एक को मेडुसा जो पॉलिप होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है जैसे हाइड्रा और एडेमशिया पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा अम्ब्रेला सेफ होता है और फ्री स्विमिंग होता है जैसे ओरिलिया या जेलीफिश लेकिन अगर हम बात करें ओबिलिया के बारे में तो ओबिलिया में दोनों फॉर्म पाए जाते हैं दोनों फॉर्म पाई जाती हैं इन्हें हम इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस ठीक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस यानी पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक् एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली दैट इज द इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे ये फिगर आपको गए यहां पर तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है और ये आपका काम खत्म हो गया अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन जनरली हाइड्रा के लिए पूछे जाते हैं तो हाइड्रा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में आप बडिंग तो पढ़ते हैं ये देखिए बडिंग स्पॉन्जेस में भी बडिंग होती है लेकिन वहां इंटरनल बडिंग यहां पर एक्सटर्नल बडिंग पाई जाती है तो हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग हो जाएगी अब यहां पर हाँ देखिए लिखा भी स्पॉन्जेज और हाइड्रा दोनों में बडिंग पाई जाती है अच्छा हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है मतलब यहां पर लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती हाइड्रा में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती आप देखिए पॉलिप से मेडुसा का जो फॉर्मेशन वो एसेक्सुअली होता है और मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन सेक्सुअली होता है यह बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे अब आ जाते हैं फाइलम नंबर थ्री पे दैट इज ने टीनोफोरा टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट समुद्री अखरोट या जेली के नाम से जाना जाता है समुद्री अखरोट या जेली कहते हैं और यह एक्सक्लूसिवली मैरीन है कोरिफेरा सिलेंटेटा में ज्यादातर मेंबर मैरीन में थे लेकिन टीनोफोरा के सारे मेंबर मैरीन हैं। अब इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद करती इनका फिगर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें आपको एट सिलियेटेड रो नजर आएंगी देखो गिन लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ दीज आर सिलिएटेड मतलब इनमें सिलिया है और सिलिया का, का काम क्या हो जाता है लोकोमोशन ये दो जो आपको निकले दिखाए गए दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स ये दो टेंटिकल भी आपको दिखाए गए प्लूरो ब्रेकिया का फिगर यहां पर आपको दिखाया गया है अब यहां पर ब्लास्ट नाम की सेल नहीं पाई जाती ब्लास्ट एब्सेंट है ब्लास्ट सिलेंट्रेटा सील, का कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर कोलोब्लास्ट नाम की सेल पाई जाती है डाइजेशन सिलेंट्रेटा की तरह एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा इंट्रासेलर दोनों तरह का है पूरी फेरा में केवल इंट्रा सेलर डाइजेशन था ठीक है अब देखो बायोल्युमिशंस प्रॉपर्टी यहां पर पाई जाती है मतलब अगर कोई लिविंग लाइट प्रोड्यूस करता तो उसे बायोलिम्निशंस कहते हैं जुगनू बचपन में आप पकड़ते थे तो जुगनू में भी बायोलिम्निशंस प्रॉपर्टी पाई जाती है यहां पर जो फोर है इनमें भी बायोलिम्निशंस प्रॉपर्टी पाई जाती है ये बाइसेक्सुअल होते और नॉट सेपरेट का मतलब बाई या हर्माफ्रोडाइट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनोन बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट इज इंपोर्टेंट जहां जो एक्सटर्नल होगा याद रखिएगा एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लारवा पाया जाता लार्वा का नाम है आप याद कर सकते हैं तीन फाइलम कंप्लीट हो गए चौथे फाइलम पे पहुंच गए तो इनमें डॉसो वेंटली फ्लैटेंड बॉडी पाई थी एकदम लीफ की तरह इन्हें कहते हैं फ्लैट वर्म्स। को कॉमनली फ्लैटम कहते हैं पूरी फेरा को 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 कहते 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 हैं, को कहते हैं, को कहते हैं और जो इनको कहते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं हमारे अंदर भी कई सारे जैसे टीनिया हो गया हमारे अंदर पाया जाता है ठीक है पैरासिटिक फॉर्म ठीक है कुछ ऐसे होते हैं सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिय फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस अब इसका एग्जाम्पल आप बताओ करें सम ऑफ देम कुछ ऐसे फ्लैट वर्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करते कौन ऐसा है जल्दी से बताओ अच्छा यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की सेल है जिन्हें फ्लेम सेल कहते हैं सोलिनोसाइड कहते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जाना जाता है बिल्कुल टीनिया टीनिया की अगर हम बात करें तो टीनिया डायरेक्टली टीनिया में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है और डायरेक्टली फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है अपनी स्किन से सिलोम पहले से आप जानते हैं कि प्लेटी हेलमेंट ए सिलोमेट है तो सिलोम नहीं पाया जाएगा और यहां पर सेक्सेज आर नॉट सेपरेट ये भी बाइसेक्सुअल अभी तक सब बाइसेक्सुअल ही चल रहा है क्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का हो सकता है जबकि टीनोफोरा में केवल सेक्सुअल था बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस कई सारे लार्वा होते हैं जैसे फैसूला में पता कितने लार्वा होते हैं फैशोला में लिखा मेनी लार्वल स्टेजेस दैट इज इंपॉर्टेंट तो कितने लार्वल स्टेज पाई जाती है बताइए जरा मुझे फैसोला में कितनी लार्वल स्टेजेस पाई जाती है अब देखिए इसके भी तीन क्लास फेरा के तीन क्लास सिलेंटेटा के तीन क्लास प्लेटी हेलमेंट के भी तीन क्लास पहला है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया में प्लेनेरिया एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेनेरिया जहां पर ट्रू रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है ना ट्रू रिजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया के अंदर प्रेजेंट होती है दूसरा क्लास है ट्रिमेटोडा जिन्हें कॉमनली फ्लूक कहते हैं है ना जैसे फैशोला दैट इज कॉल्ड लीवर फ्लूक सिस्टोसोमा दैट इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक एंड पैरागोनिमस दैट इज कॉल्ड लंग फ्लूक सबके नाम में फ्लूक लगा हुआ है पांच यस बिल्कुल सही है फैसोला में पांच लार्वा पाए जाते हैं है हाँ ना ये देखिए फैसोला दिखाई भी गया लीवर फ्लूक इसी को हम फैसोला के नाम से जानते हैं ना ना टीनिया में पांच लार्वा नहीं होते टीनिया में कितने होते बताएगा कोई मुझे फैशोला में तो हो गए पांच टीनिया में कितने लार्वा पाए जाते हैं यह है लिवर फ्लू दैट इज कॉल्ड फैशोला दैट इज एज फैशोला ठीक फैशोला टीनिया में तीन लार्वा पाए थे बिल्कुल सही है अब आते हैं सिस्टोडा तीसरा क्लास इन्हें कहते हैं टेप वर्म ऑल एंडोपैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कोई ऐसा मुझे ये क्लास है ए, सिस्टोडा जिसके सारे मेंबर एंडोपैरासाइट कोई ऐसा क्लास बताओ जिसके सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट चलो जल्दी से देखते कितना तुम लोग को आता है ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सिस्टोडा के बारे में तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है खुद का इसीलिए ये अपने होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे टिनिया जैसे इकाइनो जिसे कहते हैं डॉग टेपर्म जैसे हाइमिनोलैप दैट इज कॉल्ड ड्रॉफ टेपवर्म ऑफ मैन तीन लार्वल स्टेज पाए जाते हैं बिल्कुल सही है टीनिया में तीन लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। यह टेपवर्म का फिगर दिखाई इसी को आप टीनिया के नाम से जानते हैं दिस इज कॉल्ड टीनिया टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा कई सारे होते हैं यस साइक्लोस्टोमेटा बिल्कुल से भी मैं पढ़ाऊंगा साइक्लोस्टोमेटा में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब कैसे होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं चलिए पांचवे फाइलम पे पहुंच रहे हैं दैट इज द ठीक है को कॉमनली हम क्या कहते हैं राउंड वर्म क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनको अगर हम कट करेंगे इनका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देंगे ठीक है कैसे हो सकते हैं फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल तो एनिमल में तो पैरासिटिक होता है एस्केरिस कोई ऐसा निमेटोड बताओ कोई ऐसा एसकेलम का मेंबर बताओ जो प्लांट में पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट पहली बार एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो रहा है विद ए वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इंपॉर्टेंट वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स जो जो मैं बोल रहा हूं यही आपके नीट में आएगा जो जो मैं बोल रहा हूं ये अड़तीस uh, वीडियो जो होंगे ना इसको मैं दिखाऊंगा बाद में जिस दिन नीट होगा उसी दिन मैं दिखाऊंगा कि ये ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था और वही आपके एग्जाम में आया तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिएगा यस फ्यूचर डॉक्टर बिल्कुल सही आंसर है बेटा दैट इज मिलोडी गैन कॉग्निशा अंकिता बिल्कुल सही आंसर है अभिषेक हर्षिता प्रमोद अंकिता आशुतोष शशांक दुर्वेश बिल्कुल सही है ये आपको एसखेलमें के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं ठीक है थीके? जो फीमेल है इसका पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है और मेल में जो पोस्टीरियर एंड होता है ये कर्व होता है ये बात आप ध्यान रखेंगे दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमोरफिज्म इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमोरफिज्म सेक्सुअल डाइमोरफिज्म नेक्स्ट चलो अब देखो एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए, लिए हाँ पर पाए जाते हैं एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है दैट रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द पोरी इंपोर्टेंट है फिर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट अपस, होता है जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो बॉडी सरफेस से होता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहां पर नहीं पाया जाता ठीक है सर्कुलेट लेकिन सिंसाइसियल एपिडर्मिस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केरिस या एस्केलमेंट में सिंसाइसियल एपिडर्मिस पाई जाती है क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिंसाइसियम कंडीशन होती हो जल्दी से बताइए सेक्सेस आर सेपरेट मतलब ये डायसियस होते हैं यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं अभी आपने देखा मेल और फीमेल एस्केरिस को एंड ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल नॉर्मली ह्यूमन की पॉपुलेशन में मेल लंबे होते हैं लेकिन यहां पर फीमेल्स लॉन्गर होती हैं और ये सेक्सुअल टाइमऑर्फिज में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिल्कुल हर्षिता सुभाष स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल सिंसाइसियल होते ठीक है थीके? फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो आपको ध्यान नहीं देना है डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है मतलब लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो बहुत खास बात नहीं है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है ठीक है अब आते हैं फाइलम नंबर सिक्स दैट इज द एनिलिडा एनिलडा के मेंबर एक्वेटिक हो सकते हैं मैरिन या फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फ्री लिविंग और पैरासिटिक भी हो सकते हैं कोई एनिलिडा का मेंबर बताओ जो पैरासिटिक होता हो फ्री लिविंग मैं बता देता हूं अर्थवर्म पैरासिटिक आप बताओ दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल ठीक है इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी जो होती है अर्थवर्म की बॉडी आप देखेंगे तो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होती है जिन्हें कहते हैं मेटामर्स इनकी बॉडी मेटामर्स में डिवाइड होती है और मेटामर होने की वजह से इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होने की वजह से इन्हें कॉमनली कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स ठीक ने, हाँ, नेरिस नहीं बेटा बिल्कुल सही जैसे आप जोंक के नाम से जानते हैं ना जोंक की तरह जैसे कहते नहीं, जोंक की तरह तुम चिपक गए यार चलो अब देखो इनमें लॉन्गी ट्यूडिनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद करती है एक्वेटी एनिलिट जैसे नेरिस की बात करें तो नेरिस में पैरापोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं ठीक स्विमिंग में मदद करते हैं अच्छा पहली बार सिलोम ट्रू सिलोम पहली बार और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम या यह हर्ट एनिलिडा में ही अपेयर हुआ इसके पहले एसकेलमेंथ में फॉल सिलोम था और हर्ट नहीं था यहां पर पहली बार यह अपेयर होता है एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गेंग्लिया पाए जाते हैं पेयर्ड गेंगलिया कनेक्टेड बाई लेटर नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड इस पॉइंट पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं जबकि ये एनसीआर में आपको दिया गया पेड गैंग कनेक्टेड बाई नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमारा होता है सिंगल डोर्सल नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है ठीक है पीडीएफ मिल जाएगा बेटा पीडीएफ तो मिलेगा ही पीडीएफ मैं कहां लेके जाऊंगा इसको लोकोमोटरी ऑर्गन हो सकते हैं सीटी, सकर पैरापोडिया इसके अलावा अभी आपने पढ़ा ट्यूनल एंड सर्कुलर ए, मसल है ना मसल भी लोकोमोट्री ऑर्गन है अब बताओ सकर लोकोमोट्री ऑर्गन कहां पर है कोई बता सकता सकर लोकोमोटरी ऑर्गन कहां पर पाए जाते हैं अब देखिए नेरिस की अगर बात करते हैं नेरिस डायसियस नेचर का होता है मतलब यूनिसेक्सुअल लेकिन अर्थवर्म और लीचेस की अगर बात करें तो ये मोनोइसियस यानी बाईसेक्सुअल नेचर की होती है क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है नेरिस का फिगर एनसीआरटी में आपको दिया गया है और ये आपको हिरुडनेरिया यानी आपको फिगर दिया गया है लीच का जोंक का फिगर दिया गया अब आते हैं अगले फाइलम नंबर सेवन पर दैट इज द आर्थ्रोपोडा ठीक आर्थ्रोपोडा टेलीग्राम और व्हाट्सएप मिल जाएगा उसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा ठीक है चलो यहां देखो पहले दिस इज लार्जेस्ट फाइलम कितने फाइल है एनिमल किंगडम एनिमलिया में ग्यारह सबसे बड़ा फाइलम यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है आप बताओ मुझे टू थर्ड टू थर्ड का मतलब होता है दो तिहाई टू थर्ड ऐसे लिखते हैं टू थर्ड मतलब 67 से ज्यादा एनिमल हमारी धरती पर आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं टू थर्ड ऑफ ऑल ऑल्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड ठीक अब देखिए इनकी जो बॉडी है से कवर्ड होती ठीक काइटनस एक्जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस का अब बताओ काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ काइटिन किसका पॉलीमर है अब इनकी बॉडी डिवाइड होती हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में और इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसीलिए इसका नाम है आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल हो सकते हैं बुक गिल हो सकते हैं बुक लंग हो सकते हैं या ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है आज ही हमने क्वेश्चन किया था याद है

और मेजर एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है ज्यादातर यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है है तो ध्यान नहीं देना है। नेचर के होते डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता मतलब लार्वा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है यस स्पाइडर और स्कॉर्पियन यानी जो अरेक्निड होते हैं अरेक्निडा अरेक्निड्स की अगर हम बात करें तो अरेक्निड में बुकलंग नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ठीक है बुकलंग नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यहां पर देखो बटरफ्लाई प्रॉन प्रॉन की अगर बात करें तो प्रॉन में एक्सक्रेटरी प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बुकलंग स्पाइडर स्कॉर्पियन में क्या बता सकते हैं कि प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है लोकस्ट आपको दिखाया गया है ये स्कॉर्पियन आपको दिखाया गया है ना स्कॉर्पियन में क्या पाए जाते हैं यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं बुक लंग्स बुक लंग्स ठीक है बुक लंग रेस्पिरेशन के लिए होते हैं फ्लेम सेल अरे नहीं बेटा बुक गिल्स यहां पर बुक गिल हो जाएंगे बुक गिल्स ठीक बुक गिल पाए जाते हैं एडिनल ग्लैंड एंटीनल ग्लैंड नहीं बेटा एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड जो होते तो एक्सक्रीशन के लिए होते हैं बेटा है ना यह रेस्पिरेशन की बात हो रही है ये तो कंफ्यूजन होता है चलो अब देखो एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इनसे कौन है एपिस जिसे हम कहते हैं हनी बी बॉम्बिक्स क्या है दैट इज सिल्क वर्म जिसे रेशम का क्या कहते हैं लेसिफल लेक इंसेप्ट लाख ऑप्टेन किया था लाख रुपया नहीं लाख चूड़ी उड़ी बनाने के लिए यूज करते चूड़ी कंगन वेक्टर एनोफिलीज क्यूलेक्स और एडीज मॉस्कटोज तो बताइए एडीज मॉस्किटो किसके लिए वेक्टर की तरह काम करता है कमेंट करिए जल्दी से अच्छा सरवन करें सर जी थोड़ा सिलो स्लो चले क्या एक घंटे हो रहा है बेटा लोकस्टा जिसे कॉमनली लोकस कहते हैं और लिविंग फॉसिल ये इंपॉर्टेंट जिसे किंग क्रैब का नाम दिया जाता है या किंग क्रैब मलेरिया नहीं बेटा मलेरिया नहीं डेंगू और चिकनगुनिया डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया चलिए मोलस की स्टडी को मलाइकोलॉजी कहते हैं फाइलम एट पे पहुंच चुके हैं सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल, कैल्सियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है एंड अनसेगमेंटेड दैट इज इंपॉर्टेंट अनसेगमेंटेड बॉडी है विद ए डिस्टिंकट हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प ठीक है अच्छा क्यूलेक्स मॉस्किटो किसका वेक्टर होता है? ये भी बता दो मुझे अब देखो सॉफ्ट एंड लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल मेंटल ओवर द विसरल हम मेंटल नहीं मेंटल हम्प के ऊपर एक मेंटल नाम की कवरिंग बन जाती है स्पेस बिटवीन एंड मेंटल कॉल्ड मेंटल कैविटी और इस मेंटल कैविटी के अंदर फिदर लाइक -like पंख की तरह के गिल होते हैं और इन गिल का काम गिल का काम नॉर्मली आप कहते हैं रेस्पिरेशन होता है लेकिन यहां पर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों तरह के फंक्शन गिल के द्वारा प्ले किए जाते हैं फाइलेरिया बिल्कुल सही है क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया के लिए होता है या या एलिफेंटियासिस उचरेरिया जो भी आप कह सकते हैं मलेरिया के लिए नहीं होगा बेटा मलेरिया के लिए होता है एनोफ्लिज मॉस्किटो तीनों आपको याद करना है सर्कुलेटरी सिस्टम पहले से आप जाते हैं के अलावा कहीं पर भी अगर होगा तो ओपन टाइप का ही होगा है ना लेकिन सीपिया जिसे हम कहते कटल फिश और सिफेलोपोर्ट इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये स्पेशल पॉइंट है जो एनसीआरटी में दिया नहीं गया है इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड ब्लू होता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारा ब्लड रेड होता है चलो अब देखो हेड रीजन की बात करें तो वहां पर सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं टेंटिकल कितने फाइलम में आपको मिले जल्दी से मुझे बताइए टेंटिकल कितने में आपको मिले जल्दी से बताइए माउथ में माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है फीडिंग के लिए जिसे रेडुला कहा जाता है दिस इज फाइल लाइक होते हैं फिदर लाइक और जो रे, रेडुला है ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है ज्यादातर डायसेस यानी यूनिसेक्सुअल होते, होते हैं ओवीपेरस होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा पाया जाता है जैसे वेलेजर ग्लोचिडियम और ट्रोकोफोर लार्वा जीटीवी से आप याद कर सकते हैं ठीक ग्लोचिडियम ट्रोकोफोर विलेजर लार्वा यहां पर प्रेजेंट होते हैं तीन फाइल आपने पढ़े जहां पर टेंटिकल हैं ठीक है थीक? तीन फाइल आपने पढ़े जहां पर टेंटिकिल है में, टीनोफोरा में और मोलस्का में बिल्कुल अंकिता वर्मा एकदम सही आंसर है कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल सही है बेटा चलो अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पाइला जिसे आप कहते हैं घोंघा बसंत वही है ये पाइला घोंघा एपलेसनेल पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर मोती सी से बनता है सच्चे मोती सीपिया कटल फिश ना में फिसे लेकिन फाल्स है ये लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश दोनों मछली एप्लासिया सी हेयर खराहा टेंटेलियम टस्क सेल एंड चीटोप्लोरा चिटन ये वही एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं तो इतने एग्जांपल उनके कॉमन नेम ये आपको याद होने चाहिए घोंगा दिखाया गया ये ऑक्टोपस आपको दिखाए गए है अब आते हैं फाइलम नंबर नाइन दैट इज द अब यहां पर देखिए सबसे पहली चीज इनमें पाया था एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑजिकल पिछले फाइलम में भी कैलकेरियस शल आपने पढ़ा यहां पर एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑजिकल का पाया जाता है ठीक है और इन्हें स्पाइनी बॉडीड एनिमल कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी बॉडीड एनिमल का नाम दिया जाता है ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते तो बताइए एक्सक्लूसिवली मैरीन कितने फाइला हैं आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइला कितने हैं तीन क्यों बता रहे हो बेटा दो ही तो हैं, एक है टीनोफोरा और दूसरा इकाइनोडरमेटा तीसरा कौन सा फाइलम है है ही तो सॉरी टीनोफोरा और इकाइनोडर ही तो एक्सक्लूसिवली मैरीन है अंकिता बेटा आप कॉर्डेटा भी कर रहे एक्सक्लूसिवली मेरीन नहीं होता है प्रोटोकॉर्डेटा लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा इज नॉट द फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा आंसर तो सही है लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा तो सब फाइलम है ना तो मैंने फाइलम पूछा है तो फाइलम केवल दो ही है रेडियल सिमेट्री लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है दैट इज द इंपॉर्टेंट इनके लार्वा में बायलैटरल लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती ये है ये इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जहां पर माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द डॉसर साइड बताओ हम लोगों में ऐसी कंडीशन है सेम है या इसका उल्टा है जल्दी से बताओ कमेंट करके हम लोगों में ऐसी कंडीशन है उल्टा कंडीशन पाई जाती है अब सबसे जो खास बात है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में मदद करता है अगर याद नहीं रहता तो एलसीआर याद कर लेना एलसीआर सर्किट पढ़ते हो ना फिजिक्स में एल फॉर द लोकोमोशन सी फॉर कैप्चर एंड आर फॉर द रेस्पिरेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर नहीं पाया जाता है सेक्सेस सेपरेट है मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है अच्छा अपोजिट अपोजिट इतने नालायक हो अपोजिट कंडीशन है तुम्हारे में माउथ ऑन वेंट्रल साइड तुम्हारा माउथ वेंट्रल साइड नहीं है डॉर्सल साइड है पीछे माउथ है क्या अबे और एनस डॉर्सल साइड एनस तुम्हारी डॉर्सल साइड नहीं है इतने नालायक हो गधे कहीं के अबे सेम ही कंडीशन तो है जैसा इकांडर में टाम है वैसा तुम्हारे ही पास है मतलब तुमको माउथ और एनस की पोजिशन नहीं पता है क्या हद है अबे सेम कंडीशन है भाई माउथ वेंट्रल है ना अरे यार <laughs> हद कि हो <है> तुम लोग फर्टिलाइजेशन <laughs> याद करना पड़ेगा एक्सटर्नल है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट यानी लार्वा है और फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह यहां पर एग्जाम्पल पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं एस्टीरिया दैट इज स्टार फिश सितारा मछली लेकिन ये स्टार फिश ट्रू फिश नहीं है इकाइनस दैट इज कॉल्ड सी अर्चिन एंटीडॉन दैट इज सी लिली समुद्री लिली अच्छा वाटर लिली क्या होता बताइए जरा कुमेरिया सी कंबर समुद्री खीरा लेकिन इसको खाना नहीं है स्टार कुछ फिगर इनसीआर में दिए ऑफ्यूरा ब्रिटिल स्टार दैट इज स्टेरिया स्टार फिश अब आते हैं पायलम नंबर टेन पे दैट इज स्टोमो कॉर्डेटा का नाम दिया जाता है ठीक अब पहली चीज सुनिएगा ध्यान से मैंने पूछा था वाटर लिली किसे कहते हैं जिम्नो को वाटर लिली कहते हैं ना बेटा वाटर लिली कहते हैं निम्फिया को ठीक है निम्फिया को हम कहते हैं वाटर लिली अच्छा लिली किसे कहते हैं हेमिकॉरडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एस सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा ध्यान से सुनिएगा पहले ये जो हेमिकॉरडेटा है इसको कॉर्डेटा फाइलम में सब फाइलम माना गया था बट नाउ इट इज प्लेज एड ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। ठीक क्यों एनसीआरटी ने एक टर्म लिखा है यहां पर कि हेमिकॉरडेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर रूडिमेंट्री अल्प विकसित कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड हेमी में नोटोकॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको साइंटिस्ट ने पहले क्या समझ लिया नोटोकॉर्ड समझ लिया लेकिन बाद में पता चला कि यह तो स्टोमोकॉर्ड है और कॉर्डेटा से इसको बाहर भगा दिया गया लिलियम बिल्कुल हर्षिता लिलियम को लिली कहते हैं निम्फिया को वाटर लिली कहते हैं एंटीडॉन को सी लिली कहते हैं और एली लिली क्या है वट इज एली लिली चलो अब यहां पर जो एनिमल होते हैं छोटा सा ग्रुप है वर्म लाइक -like मैरीन एनिमल ठीक है एग्जांपल है जैसे बेलनोग्लॉस जिसे टंगवम का नाम दिया जाता है बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है और तीन पार्ट में डिवाइड होती है इंटीरियर प्रोबोसिस होता है कॉलर और एक ट्रंक रीजन पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है मिकॉर्डेट में डॉर्सल हट पाया जाता है ठीक रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है यहाँ पर भी गिल प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ये बेलोनोग्रॉसेस है जहां पर आपको प्रबोसिस कॉलर और ट्रंक तीनों पार्ट नजर आ रहे हैं आसानी से हाँ एलि लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने इंसुलिन को बनाया था नाइनटीन में पहला जो रिकॉम्बिनेंट हार्मोन बनाया गया था वो था इंसुलिन हार्मोन ठीक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत खास है दैट इज द प्रोबोसिस ग्लैंड ठीक प्रोबोसिस ग्लैंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है दैट इज द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन जिन में पढ़ चुके उनके नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए ठीक है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाता है जैसे बेलेनोग्लॉसिस के लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है एक बेलनोग्रॉस को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है अब चलते हैं फाइलम नंबर इलेवन लास्ट फाइला, लास्ट फाइलम और ये हमारा फाइलम है, ह्यूमन का फाइलम है ठीक है चलिए अब देखिए कॉर्डेटा फाइलम के जो मेंबर है उनमें क्या क्या खास चीजें पाई जाती है प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जरूर मिलेगा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलेगा और पेयर्ड फेरेंजल स्लिट पाई जाएंगे साथ ही इनमें पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये फीचर कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीन तीन जगह मैंने अभी बताया मुक्तिया ने एकदम सही लिखा है टीनोफोरा इकाइनोडर हेमिकॉर्डेटा तीन फाइल तक आपने पढ़े जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था ठीक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलो ये देखो यहां पर आपको नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर ये वाला इसके नीचे आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है ये वाला ठीक ये नोटोकॉर्ड हो गया पोजीशन ध्यान रखिएगा नर्व कॉर्ड ऊपर होता है नोटोकॉर्ड नीचे होता है ये गलसिलेट आपको दिखाई गई यहां पर इस तरीके से है ना गलसिलेट है और ये पोस्टनल टेल वाला पार्ट आपको दिखाएगा ये फिगर एग्जाम में आने की संभावना है तो इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज जरूर कर लेंगे ठीक अब देखो अब इसको तीन सब फ़ाइला में कॉर्डेटा फाइलम को तीन सब फ़ाइला में डिवाइड किया जाता है एक को कहते हैं कॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा दूसरा सिफेलो कॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा तीन सब फाइल हो जाएंगे

कॉर्डेट में हर्ट डॉर्सल पोजिशन में होता है और यहां पर सॉरी कॉर्डेट में हर्ट वेंट्रल पोजिशन पे होता है वेंट्रल आगे की तरफ यहां पर हर्ट डॉर्सल होता अगर प्रेजेंट होगा क्योंकि सभी नॉन कॉर्डेट में हर्ट नहीं होता अच्छा नॉन कॉर्डेट कहते किसे हैं नॉन कॉर्डेट का मतलब जानते हैं क्या पूरी फेरा से लेकर पूरी फेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा के जो दस फाइला हैं ठीक पूरी फेरा से हेमी कॉर्डेटा के जो दस फाइला हैं उन्हीं को नॉन कॉर्डेट कहते हैं तो सभी नॉन क्लेट में तो हर्ट पाया नहीं जाता है अच्छा सीएनएस की बात करें तो सीएनएस एज डॉर्सलो सिंगल यहां उल्टा करना है वेंट्रल सॉलिड और डबल हो जाएगा और तो तीन चीजें तो आप ध्यान रखिएगा कहां पर प्रेजेंट और कहां पर एबसेंट है और दो चीजों में लोकेशन में अंतर है देखिए यहां पर हर्ट वेंट्रल है तो सीएनएस डोअर्सल हो गया ठीक हर्ट वेंट्रल तो सीएनएस डोअर्सल नॉन क्वालेट में हर्ट डॉर्सल है तो सीएनएस वेंट्रल हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है एसिडिया कालपा डोलियोलम हर्डमानिया अच्छा आज एग्जाम्पल आया भी था सी स्क्वेट सुबह जब एनटीए मैराथन में करा रहा था ना तो उसमें सी स्क्वेट हर्डमानिया आया था तो यहां पर आप याद कर सकते हैं तुसाद मैडम तुसाद म्यूजियम है ना जिसमें मोम के पुतले बनाए जाते हैं तो टी फॉर ट्यूनिकेटा यू फॉर यूरोकॉर्डेटा एस फॉर द सालपा एच फॉर द हारमानिया ए फॉर द एसीडिया डी फॉर द डोलियोलम तो इस फॉर्मूले के अंदर सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे ठीक है बेटा जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो आपकी क्लासेस होती सुबह सात बजे से क्लास होती है एनटीए मैराथन की जहां पर एक एन टी ए मॉक टेस्ट में कराता हूं फुल सिलेबस का दूसरी क्लास साढ़े आठ बजे होती जहां पर एक चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं जैसे कल हमने प्लांट किंगडम किया था आज हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं कल साढ़े आठ बजे जो सुबह क्लास होगी उसमें हम मार्फोलोजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को रिवाइज करेंगे और उन्हीं पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कॉर्डेटा फाइलम में तीन सब फाइलम बनाए गए यूरोडेटा सिफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा तो यूरोडेटा आपने पढ़ लिया अब आते हैं सिफेलो कॉर्डेटा सब फाइलम नंबर टू में क्या नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन यूरो में केवल टेल में था हेड से टेल तक है एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ वहां पर केवल लार्वा में था एडल्ट में नहीं था यहां पर लार्वा में भी रहेगा एडल्ट में भी रहेगा ब्रेंक्योस्टोमा एग्जाम्पल है जिसे एम्फियोक्स या लैंसिलेट कहते हैं खत्म अब एनसीआरटी कहता है कि यूरोटा और सिफेलो इन दोनों को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं इनको दोनों को मिला के और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं तो एक्सक्लूसिवली मैरीन अगर टैक्सा पूछा जाए तो आप चार आंसर करोगे एक्सक्लूसिवली मैरीन टैक्सा कौन कौन से हैं टीनोफोरा टीनोफोरा इकाइनोडरमेटा यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा मैंने क्या कहा है? एक्सक्लूसिवली मैरीन टैक्सा एक्सक्लूसिवली मैरीन ग्रुप क्योंकि पहले वाले जो दो हैं वो फाइलम है और नीचे वाले जो दो हैं वो सब फाइलम है ठीक है अब आते हैं तीसरा सब फाइलम जो हमारा है दैट इज वर्टिब्रेटा और क्रेनिटा अब इनकी खास बात क्या है वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जाता है एम्ब्रोरिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है या लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड है एंड दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट एडल्ट में नोटोकॉर्ड की जगह पर वर्टिब्रल कॉलम रीड बन जाती है आज हाँ जो आपकी रीड है नोटोकॉर्ड से ही बनी है और ये रीड कार्टिलेज या बोन की बनी हो सकती है हमारी बोन की बनी है कार्टलेजनसमें कार्टलेज की बनी होती इसीलिए हम कहते हैं कि आल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट आल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं देखे यूरोटा सिफेलो कॉर्डेटा कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना लेकिन अगर कोई वर्टिब्रेट है तो कॉर्डेट तो होगा ही क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से ही बनता है तो इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट द वर्टिब्रेट अब कॉर्डेट में क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं कॉर्डेट के जो कैरेक्टर होते हो तो होंगे ही वर्टिब्रेट में और क्या क्या फीचर हैं वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विथ टू थ्री और फोर चैंबर टू चैम्बर फिसेज में थ्री चैम्बर एम्फीबियन रेप्टाइल में फोर चैम्बर बर्ड और मैमल में किडनीज पाए जाते है एक्सक्रीशन के लिए है ना और पेयर्ड अपेंडिस पाए जाते हैं जो कि फिंस हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं मछलियों में फिन हो जाएंगे और बाकी टेट्रापोड में लिम्ब हो जाएंगे अब देखिए इनमें क्रेनियम पाया जाता है जिसे ब्रेन बॉक्स कहा जाता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है सभी वर्टिब्रेट में स्कल पाया जाता है ठीक सभी वर्टिब्रेट में स्कल प्रेजेंट होता है अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करते हैं देखिए ध्यान से देखिएगा वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेटा क्या है सब फाइलम इसके दो डिवीजन बना दिए गए दो डिवीजन बना दिए गए एक एग्नेथा उन एनिमल को कहते हैं उन वर्टिब्रेट को जिनमें जॉ पाए जॉ नहीं पाए थे जबड़ा नहीं होता है और जिनमें जॉ पाए जाते हैं अब एग्नेथा में एक क्लास है साइक्लोस्टोमैटा और में दो सुपर क्लास है एक है पाइसेस जिन्हें फिशेस कहते हैं पाइसेस को ही कॉमनली फिशेस कहते हैं और दूसरा टेट्रापोडा पाइसेस में लोकोमोशन के लिए फिन होते हैं और टेट्रापोडा में लिंब पाए जाते हैं अब पाइसेस में दो क्लास है कॉन्ड्रिकीज एंड आपसे ट्रू फिश के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे ऐसा कोई भी एनिमल जो सुपर क्लास स्पाइसिस से बिलोंग करे या कॉन्ड्रिक थिज ऑस्टिक थिज क्लास से बिलोंग करे वो ट्रू फिश होगा इसके अलावा अगर कहीं पर भी फिश टर्म यूज करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा टेट्रापोडा में चार क्लास है एम्फीबिया रेप्टीलिया बर्ड और मैमिलिया बर्ड को एफ्स भी कहा जाता है तो इस तरह से वर्टिब्रेटा में टोटल कितने क्लास हो गए सात वर्टिब्रेटा में टोटल सेवन क्लास हो गए गिल्लो साइक्लोस्टोबेटा एक हो गया पहला है ना पहला क्लास दूसरा क्लास तीसरा क्लास चौथा पांचवा छठा सातवा सात क्लास है और यही सात क्लास हमें वन बाई वन पढ़ने भी हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्टोमेटा में कितने क्लास हैं तो आप क्या बताएंगे स्टोमेटा में कितने क्लास हैं पहले क्लास से हम शुरुआत करें क्लास नंबर वन दैट इज द साइक्लो स्टोमेटा यही पॉइंट मैंने पूछा भी था कि जितने भी मेंबर हैं ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम समझ अब यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसके सारे मेंबर एंडोपैरासाइट हैं। बिल्कुल में छह क्लास होंगे में एक क्लास हैं बेटा दे हैव एन इलोंगेटेड लंबी बॉडी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट छ से पंद्रह पेयर गिल पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए ठीक है इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ विदाउट जॉ क्योंकि एग्नेथा का क्लास है जिसमें जॉ होते ही नहीं है पेनक्रियाज नहीं पाया जाता इसमें ठीक है इनकी बॉडी पर स्केल और फिन भी नहीं पाए थे डिवाइड का मतलब एबसेंट ठीक है नहीं पाए जाते हैं टेट्रापोडा में चार क्लासेस होंगे ठीक टेट्रापोडा में चार क्लासेस होंगे मैंने एक सवाल और पूछा था कि, कि किस क्लास के सारे मेंबर एंडोपैरासाइट हैं अच्छा इनका जो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम होगा वो कैसा होगा कार्टिलेज का बना होता है ठीक कार्टिलेज का बना होता है ये एसिडिया का फिगर आपको दिया गया ये पेट्रोमाइजोन आपको दिया गया जो कि साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर ये देखिए पेट्रोमाइजोन को कॉमनली लैम्परे कहते हैं और मिग्जीन इसका मेंबर जिसको कॉमनली हैगफेस कहा जाता है आप देखो साइक्लोस्टोम आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग बच्चे पैदा करने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं जिन्हें एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं अगर कोई मैरीन वाटर में रहता है और वहां से फ्रेश वाटर में जाता है तो इसको एनाड्रामस माइग्रेशन कहा जाता है प्लेटी हेलमेंट क्लास होता है नालायको सब प्लेटी हेलमेंट लिखे पड़े हुए अब ये प्लेटी हेलमेंट कौन सा क्लास है प्लेटी हेलमेंट तो फाइलम है ना तो क्या आंसर करना चाहिए ऐसे करोगे एग्जाम में तुम लोग क्लास पूछ रहे ए, प्लेटी हेलमेंट बता रहे सिस्टोडा करना चाहिए ना अंकिता ने सही किया आंसर सिस्टोडा क्लास आंसर करना चाहिए मैं बार-बार क्लास बता रहा हूं कि क्लास सब फाइलम फाइलम उन्हीं चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो उसको ध्यान तो दो बेटा सिस्टोडा सुभाष बिल्कुल ठीक है चलो अच्छा स्पॉनिंग करने के बाद बच्चे पैदा करने के विधि ने फ्यू डेज दे डाई पेरेंट की डेथ हो जाती है देयर लार्वा आफ्टर मेटा रिटर्न टू द ओशन और ओशन में अपनी जिंदगी बिताने के बाद जब इनका अंत नजदीक आता है ये फिर फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं नदियों में वहां पर स्पॉनिंग करके डाई करता है पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता। पेट्रो को जो लार्वा होता है लेकिन मैगजीन में लार्वा नहीं पाया था मैगजीन में लार्वा नहीं पाया जाता है तो पहला क्लास आपका कंप्लीट हो गया दूसरा क्लास है आपका कॉन्ड्रेक्स अच्छा यहां पर क्या ध्यान रखना एकथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस फिशेस की स्टडी को कहते हैं एकथियोलॉजी अच्छा अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि दूसरा और तीसरा क्लास जो है ठीक दूसरा और तीसरा क्लास हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेंगे ठीक है दूसरे और तीसरे क्लास को हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इतनी जगह होता है जो आपको याद करना है एलगी में पिनोफोरा में इकाटा में हेमिकॉर्डेटा में बोनी फिशेज में और एम्फीबियन में इतनी जगह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बोनी और कार्टलेजनस फिशेज को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है ये टेबल इस टेबल को अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो फिर आपका काम हो गया ठीक बस यही से सारी चीज देख लो एक तरफ लिखा है कॉन्ड्रिक कार्टलेजिनस फिशेज और एक तरफ लिखा बोनी है बोनी फिश ना ऑस्टिकजिनस और बोनी कॉन्ड्रिक मोस्टली मैरीन होती है ऑस्टिक मैरीन और, और फ्रेश वाटर दोनों तरह की होती है कॉन्डिक में माउथ वेंट्रल लोकेशन में होता है ऑस्टिक थीज में इंटीरियर पोजिशन में पाया जाता है कार्टलेजनस फिसेज में स्केल में, स्केल होते हैं हैं बोनी में में साइक्लोइड या पाए जाते कार्टिलेजिनस ऑपरकुलम नहीं पाए जाते हैं काइमेरा एक एक्सेप्शन है बोनी फिसेज में ऑपरकुलम पाए जाते हैं कॉर्डल फिन एसिमेट्रिकल या हेट्रोसर्कल होता है यहां पर होमोसर्कल टाइप का होता है एंडोस्कैन कार्टलेजनस होता है कार्टलेजनस फिस में नाम ही बता रहे यहां पर बोनी होता है इसके अलावा गिल गिल गिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है पांच से सात पेर एनसीआरटी में नहीं दिया गया है बोनी फिश में चार पेयर गिलेट पाया जाता है और अभी कॉर्निक साइक्लोस्टोमेटा में कितने बताए गए थे साइक्लोस्टोमेटा में कितने गिल गिल्सिलेट आपको बताए गए एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है बोनी फिश में प्रेजेंट होता है हाँ, बिल्कुल हर्षिता छे से पंद्रह पेयर तो तीनों एक साथ याद करिएगा छ से पंद्रह पेयर पांच से सात पेयर चार पेयर यानी कम हो रहा है पहले से थे फिर से हुए फिर चार पेयर हो गए तो ये अगर डिफरेंस आप याद कर लेंगे देखो क्लैस्पर कॉन्डिक में प्रेजेंट होते हैं मेल है ना मेल में पेल, जो पेल्विक फिन होते हैं उनपे क्लैसपर पाए जाते हैं पेल्विक फिन के ऊपर और ऑस्टिक एबसेंट होते हैं यहां पर सेक्सेज डिस्टिंगबल होते हैं क्योंकि क्लैस पर पाए थे मेल में फीमेल में नहीं होते हैं यहां पर सेक्सुअल डायमोर्फिज्म नहीं पाए जाते हैं ना सेक्सुअल डायमोर्फिज्म कॉन्डिथिज में है ऑस्टिक थिज में नहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया कॉन्डिक थिज में बोनिफिस में अमोनिया हो जाएगा है ना फर्टिलाइजेशन ये देखिए इंटरनल है और यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये वीवी पेरस नेचर की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीवी पेरी मैमल का फीचर है लेकिन कार्टलेजिनस फिसेज में फीचर पाया जाता है और ओवी पेरस की अगर बात करें तो यह बोनी फिसेज में है एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन जिसे आप डॉग फिश कहते हैं प्रेस्टेज जिसे फिश कहते हैं कैरकेरोडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट सॉर कहते हैं और ट्राइगोन जिसे स्टिंग रे कहते हैं यह हो गई कार्टलेजनस बोनी में मैरीन एक्जोसिटस जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स फ्रेश वाटर में कौन आ जाएंगे फ्रेश वाटर में लेबियो जिसे कहते हो गया क्योंकि केवल और केवल एनसीआरटी के एग्जाम्पल ही यहां पर दिए गए आते हैं क्लास नंबर फोर पे ये किसके क्लास पढ़ रहे है? किसके क्लास इस समय हम पढ़ रहे हैं जरा जल्दी से मुझे बताओ किसके क्लास चल रहे इस समय एम्फीबिया में एम्फी ग्रीक वर्ड है एम्फीबिया जिसमें एम्फी का मतलब बायोस का मतलब लाइफ तो एम्फीबिया डुअल हैबिटाट में पाए जाते हैं ये एक्वेटिक पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रह सकते हैं ज्यादातर में दो पेयर लिम पाए जाते हैं क्योंकि यहां से टेट्रापोडा शुरू हो रहा है तो टेट्रापोडा में दो पेयर लिम पाए जाते हैं किसके क्लास हम पढ़ रहे हैं हाँ, हम कह सकते हैं कि वर्टी ब्रेटा के या उससे अच्छा आंसर टेट्रापोडा के क्लास हम पढ़ रहे हैं ठीक है बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक टेल में बताओ कोई भी एम्फीबिया का मेंबर बताओ जिसमें टेल भी पाई जाए कोई एम्फीबिया का मेंबर बताओ जिसमें टेल पाई जाती हो एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट विदाउट स्केल स्केल अभी मछलियों में थे लेकिन यहां पर स्केल नहीं पाए जाते हैं द आईज हैव आई ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट टिम्पेनम को ईयर ड्रम कहते हैं ये देखिए सेलामेंड्रा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा जिसमें टेल प्रेजेंट होती है ना ये टेल आपको दिखाई दे रही लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में टेल नहीं पाई जाती इसकी बॉडी हेड और ट्रंक में ही डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में इसकी बॉडी डिवाइडेड है अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन टू द एक्सटीरियर तो क्लोएका से तीन चीजें बाहर आती डाइजेस्टिवेस्ट यूरियन और गैमिटी तीनों चीजें बाहर आती है रेस्पिरेशन गिल के द्वारा लंग के द्वारा और स्किन के द्वारा होता है बताओ फ्रॉग में गिल स्किन और लंग्स में किसका यूज किया जाता है फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में लंग स्किन और गिल में से किसका यूज किया जाता है सेक्सेज आर सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो इंपॉर्टेंट है ओवी पेरस नेचर के होते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वा है जैसे फ्रॉग फ्रॉक कलारवा टेटपोल होता है एग्जाम्पल देखिए ब्यूफोटोड राना फ्रॉग हाइला ट्री फ्रॉग से कॉमनली सेमेंडर कहते हैं और इक्ति दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन दैट इज इंपॉर्टेंट इक्थियोफिट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर है। में गिल लंग स्किन तीनों का यूज किया जाएगा लेकिन गिल का यूज कब होगा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा स्टेज में ठीक है रेप्टाइल की स्टडी को हरपीटोलॉजी कहा जाता है ठीक है अच्छा अब ये जो क्लास नेम ये कहां से आयान वर्ड है रेपर या रेप्ट जिसका मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना रेंगना या सरकना और रेंगना और सरकना इनका मोड ऑफ लोकोमोशन है ठीक मोड ऑफ लोकोमोशन तो अगर पूछा जाए रेप्टिलिया नाम कहां से आया तो आप कहेंगे मोड ऑफ लोकोमोशन से नाम आया ठीक है मोड ऑफ लोकोमोशन से नाम आया अच्छा अब इनकी बॉडी की बात करें बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन ठीक है एपीडर्मल स्केलिया स्क्यूट दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती है टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर फ्रॉग में भी टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है यहां पर भी इनमें लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पे टेट्रापोडा पढ़े तो दो पैर लिम होंगे लेकिन स्नेक की अगर बात करें तो लिम्स और आईलिड एब्सेंट होती हैं ये इंपॉर्टेंट ठीक है स्नेक एंड लेजर्ड सिट देयर स्केलेस स्किन का जिसे आप कहते हैं केचुल तो जो केचुल होती सांप और छिपकली सांप और छिपकली दोनों लेजर मतलब छिपकलियां स्नेक मतलब सांप ये अपनी स्केल को स्किन कास्ट के रूप में निकाल देते हैं ठीक है सेक्सेस सेपरेट फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बहुत खास बात नहीं है डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वा नहीं पाया जाता है काम खत्म एग्जाम्पल देख लीजिए ये कुछ फिगर आपको दिखाई गए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है चिलोन जिसे टर्टिल कहते हैं टेस्टूडो टॉर्टवाइज हो जाएगा शेमिलियन दैट इज ट्री लेजर्ड कैलोट दैट इज द गार्डन लेजर्ड मतलब ये जो आ, एक और होती है लेजर या हाउस लेजर कहते हैं ये जो हेमी डायल घर वाली छिपकली है कैमिलियन बाहर वाली छिपकली है क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल एलिगेटर एलिगेटर पोइजिनस स्नेक जहरीले सांप कौन से नाजा जिसे आप कहते हैं कोबरा बैंगारोस्क्रेत और वाइपेरा क्या हो जाएगा दैट इज वाइपर क्लास नंबर सिक्स दैट इज द ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ द बर्ड इज ऑर्निथोलॉजी ठीक है ऑर्निथोलॉजी पे किसने काम किया कोई साइंटिस्ट का नाम जानते हैं जो एनसीआरटी में दिया हो ठीक है बर्ड की सबसे जो खास बात है ठीक है दैट इज प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ठीक और ज्यादा तेरह में उड़ सकती हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया सबसे भारी और इसका जो अंडा है सबसे बड़ी सेल का एग्जाम्पल है ठीक है ऑल बर्ड उड़ सकती चाहे ना उड़ सकती हूं लेकिन सभी के पास फिदर पाए जाते हैं अब इनके फोर लिम ये तो आज ही एनटीए में सवाल हमने किया था में कि फोर लिम्स आर मोडिफाइड इनटू विंग्स फोर लिम्स इसीलिए बर्ड में फोलियम्स एबसेंट होते हैं ठीक फोर लिम्स यहां पर एबसेंट हो जाते हैं कुछ फ्लाइटलेस बर्ड दी गई मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा अच्छा हाइंड लिम की बात करें तो हाइंड लिम के ऊपर स्केल पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट है ठीक है किस काम में यूज होते हैं वॉकिंग स्विमिंग क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस अच्छा स्किन इज ड्राई हमारी स्किन कैसी है हमारी स्किन होती है ऑयली क्योंकि उट ग्लैंड इनकी स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द द बेस बेस ऑफ ऑफ टेल टेल पे ऑयल ग्लैंड को छोड़कर बाकी यहां पर ग्लैंड नहीं पाई जाती स्किन में एंडोस्केलेटन इज फुल्ली फुल्लीसिफाइड पूरा बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना है कार्डलेस का बना जल्दी से बताओ एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो

एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ये जो एयर सैक होते हैं ये लंग से कनेक्ट हो जाते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते सप्लीमेंट का मतलब मदद करना ठीक है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को साइरिंग्स कहा जाता है हम लोगों में लैरिंग्स होता है हाँ काक्रोच में ऐसा होता है क्रॉप और गेजर काक्रोच में पाए जाते हैं ठीक बाकी सेक्सेस uh, सेपरेट होते हैं यूनिसेक्सुअल है इंटरनल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम क्रो कोलम्बा पिजन सीटेकुला दैट इज पैरट स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच पेवो दैट इज पिकॉक एप्टनो डाइट दैट इज पैंग न्यू दैट इज वल्चर इतने एनसीआरटी के एग्जाम्पल जितने मैंने टिक कर दिए बाकी जो एग्जाम्पल है वो टी के बाहर के हैं अगर मन करेगा तो आप याद कर सकते हैं इनको अब आते हैं फाइलम नंबर सॉरी क्लास नंबर सेवन फाइल लास्ट फाइलम है मैमेलिया और ये हमारा फाइलम है और इवोल्यूशन में जो सबसे लास्ट में आता सबसे एडवांस माना जाता है ठीक है तो चलिए देखते हैं मैमल की अगर हम बात करें तो कुछ मैमल ऐसे हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और लिव इन वाटर वाटर में जैसे डॉल्फिन की बात करें वेल की बात करें सील की बात करें सी का ऐसे मैमल जो पानी में रहते हैं एक मैमल है जो उड़ सकता केवल एक मैमल कौन सा है वो आप बताओगे मैमल का सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड जिसके द्वारा बच्चे को नरिश किया जाता है बच्चा पैदा होने के बाद मां का दूध पीता है मैमरी ग्लैंड का पाया जाना मैमल का सबसे यूनिक फीचर होता है हाँ बैट बिल्कुल चमगादड़ की अगर हम बात करें तो चमगादड़ एक मैमल है और अकेला मैमल है जो उड़ सकता है इसके अलावा कोई भी मैमल उड़ नहीं सकता है इनमें टू पेयर लिम्प पाए जाते हैं क्योंकि टेट्रापो पढ़ रहे हैं ना जो कि वॉकिंग करने के लिए ह्यूमन में रनिंग करने के लिए घोड़े में क्लाइंबिंग करने के लिए मंकी में बरोइंग बिल खोदने के लिए चूहे में स्विमिंग करने के लिए वेल में और फ्लाइंग करने के लिए चमगादड़ में अडॉप्टेड होते अलग अलग काम के लिए अडॉप्टेड है स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्लैंड भी मैमल का कैरेक्टर है मैमल में, में स्वेट ग्लैंड जिससे के द्वारा पसीना निकलता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है सभी मैमल में, में डायफ्रॉम जरूर पाया जाता है और मैमरी ग्लैंड जरूर पाई जाती है ठीक दो ऐसे फीचर है जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं कोई भी अगर दुनिया में मैमल है तो उसमें डायफ्रॉम जरूर होगा जो मसल का बना होता है और मैमरी ग्लैंड होगी डायफ्रॉम का काम क्या है आप बताओगे मुझे स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पजिंग हेयर और इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ आर प्रेजेंट इन द जॉ जॉ में अलग अलग तरह के तीथ पाए जाते दैट कंडीशन इज इस नेम्ड इस कंडीशन का नाम बताओ रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होगा सेक्सेस सेपरेट होंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और ये वीवी पैरस होते हैं बच्चे पैदा करते हैं लेकिन एक्सेप्शन है यहां पर एक्सेप्शन है और निथो रिंकर जिसे प्लेटिपस कहते हैं ये ओवी पैरस नेचर का है बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन यस डायफ्राम का काम होता है रेस्पिरेशन में मदद करना और अलग अलग तरह के दांत का पाया जाना हेट्रोडॉन्ट कहलाता बिल्कुल सही है यहां कुछ फॉल्स फिसेज आपको बताएगी उनका साइंटिफिक नेम और उनका फाइलम आपको दिया गया तो आप चाहे तो याद कर लीजिएगा ठीक है वीवी पैरस मैक्रोपस कंगारू फ्लाइंग फॉक्स यही, है। जो फ्लाइंग लिखा है न, यही फ्लाइंग इसी को हम कहते हैं बैट या कैमल, मकाका, मंकी यही मकाका, रिसस मकाका, यही वो मंकी है मकाका जहां पर का पता चला था रेटस रेट कैनिसमन डॉल्फिन बेलनोपटेरा ब्लूवेल यह भीक्टिक है पैंथरा टिग्रिस टाइगर लियो लैन पूरे ग्यारह फाइल यहां पर लिखे हुई हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन पूरे ग्यारह फाइल आपने पढ़ ली सेगमेंटेशन केवल तीन जगह एनलिडा में आर्थ्रोपोडा में और कॉडेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार एसमिंथ में कंप्लीट हुआ इसके उप, नीचे सारी सभी जगह कंप्लीट है सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनिलिडा में पाया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार आर्थ्रोपोडा में पाया गया इसके ऊपर सब जगह तो एक ट्रेंड आपको समझ में आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार फाइलम नंबर फाइव में सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम नंबर सिक्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइलम नंबर सेवन से स्टार्ट हुआ क्लियर थी चीज तो ये आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए करीब डेढ़ घंटे का टाइम लगा डेढ़ घंटे के टाइम में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली अब आज जो क्लास होनी है आठ से दस के बीच में आठ से दस पीएम इसमें हम एनिमल किंगडम इसी चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा फिर शाम को इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है एनिमल किंगडम के इसके अलावा चार से, से केमिस्ट्री की क्लास होनी है ठीक चार से छह केमिस्ट्री की क्लास होनी है छ से आठ फिजिक्स की क्लास होनी है। और आठ से दस आपकी क्लास हो जाएगी बायो की तो ये तीन क्लास आपकी डेली बेसिस पर चल रही है कौन सी धाकड़ बैच की जहां पर एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाता है ठीक तो धागड़ बैच की क्लासेस हो जाएंगी और मॉर्निंग वाली क्लासेस के बारे में आपको पता है मॉर्निंग मॉर्निंग वाली क्लास क्लास एक चलती से, से में क्लास चलती है है बजे बजे से से में जहां पर एनटीए मॉक टेस्ट हम करते हैं एनटीए मैराथन एनटीए मैराथन में एक टेस्ट मैंने आपको कराया था और फिर एक क्लास चलती साढ़े आठ बजे इस समय आप कर रहे हैं ना इस क्लास में हम वन चैप्टर की थ्योरी कवर करते हैं ठीक है थीक? वन चैप्टर या या वन शॉट ठीक वन शॉट में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो डेढ़ घंटे में आपने एनिमल किंगडम और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो पॉइंट एनसीआरटी के बाहर भी थे वो भी मैंने आपको कवर करा दिए ठीक है तो धाकर बैच करना मत भूलिएगा और साथ ही वन शॉट भी हम स्टार्ट करेंगे ठीक वन शॉट की भी शुरुआत करने वाले हैं तो जल्दी मिलते हैं बाय बाय टेक केयर यू बच्चों